सीरीज में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर से मैच में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक के मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 31 रन बना लिए हैं। इससे पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 267 रन बनाकर लीड हासिल की थी। बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग स्टार रहे ओपनर मार्कस हैरिस। हैरिस ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में शानदार बैटिंग की और 76 रन बनाए। हालांकि इस 76 रनों की उनकी पारी में बहुत सी चीजें घटी, जैसे एम्पायर पॉल राइफल का 36 के स्कोर पर उन्हें गलत तरह से LBW आउट देना। हैरिस इस फैसले से इतने नाखुश दिखे कि विरोधी टीम के गेंदबाज को जाकर सारा दुखड़ा रो दिया और DRS को गाली तक दे गए। ये सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल। दूसरे दिन पारी के 35वें ओवर में जैसे ही स्टोक्स की गेंद पर एम्पायर ने हैरिस को LBW दिया, उन्होंने तुरंत DRS ले लिया। लेकिन उन्हें गुस्सा तब आया जब DRS में भी तकनीकी खामी आ गई, यानी बैट का किनारा पकड़ने वाले हॉटस्पॉट ने बल्ले के मोटे किनारे को भी दिखाने से इनकार कर दिया। हालांकि हॉटस्पॉट के बाद सिंको में साफ साफ स्पाइक दिखा, जिसके बाद हैरिस ने तसल्ली की सांस ली। दरअसल हॉटस्पॉट तकनीक के जरिए इंफ्रारेड कैमरे से फ्रिक्शन को देखा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट से लगकर आया हो। हालांकि हैरिस के फैसले में DRS में किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और वो बच गए। लेकिन हैरिस इस फैसले से इतने खफा थे कि तुरंत उन्होंने गेंदबाज बेन स्टोक्स को पूरा मामला बता दिया। ये सारी बातें स्टंप माइक में कैद हो गई। हैरिस ने स्टोक्स से कहा, मैं 100% श्योर नहीं था, लेकिन मेरे बल्ले का एक मोटा किनारा था। मुझे लगा कि हो सकता है कि गेंद एक साथ मेरे बैट और पैड पर लगी हो, लेकिन हॉटस्पॉट ने मेरी उम्मीद खत्म कर दी। 36 के स्कोर पर मिले जीवन दान के बाद हैरिस ने बढ़िया बैटिंग की और अपनी टीम को इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर पर बढ़त भी दिलाई। हैरिस के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इस पारी में अर्धशतक नहीं जमा पाया। 2 दिन के खेल के बाद एक बार फिर से मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात जरूर सुन लीजिए, इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप विंजो, यहां पर आप 100 से ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। यहां पर हल्के फुल्के गेम्स से लेकर मार धाड़ वाले गेम्स भी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फैंटेसी वॉर में जाके एक्सपर्ट्स की टीम्स के साथ खेल सकते हैं, यानी कि आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर आप एक गेम में 2 से 4 टीमों के साथ भिड़ सकते हैं और अगर उसमें आप जीते हैं तो आपको मिलते हैं कूपन्स, जिसका फायदा ये है कि आप Amazon, Flipkart, बिग बास्केट पे उन कूपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।